देखो क्वेश्चन है जे एडवांस 1996 का। क्वेश्चन कह रहा है इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वाई इक्वल टू एक्स बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो इन ए बी। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए बी हैज डायमीटर इज। देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 1, 0। रेडियस कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक, ये है आपका ये आपका ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, और ये आपका 1, 0 है, ये आपका 2, 0 होगा। ये ओरिजिन है 0, 0 से, y इक्वल टू x लाइन है, ये है y इक्वल टू x लाइन। अब क्या कहता है कि AB डायमीटर हो तो y इक्वल टू x पहले सब्सटीट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 1। ये मतलब कोऑर्डिनेट कितना आया, 1, 1, क्योंकि y इक्वल टू x है, x 1 आया तो ये 1, ये 0, 0 ऑलरेडी आया था। मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 बाय 2 1 बाय 2 और 1 प्लस 0 बाय 2 1 बाय 2। ठीक, यहां से पूछ रहा है देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ एबी हैज डायमीटर, ये है ए है आपका पॉइंट और ये बी है, इसी को डायमीटर। तो आप देखो सेंटर पॉइंट आपने निकाल लिया तो एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो कितना होगा, अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1/4 1/2 इक्वल टू, दोनों कट जाएगा, ये आपके पास फाइनली आ गया, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, इस कदर इसको सॉल्व करना है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का और ये आपका वर्टिकल वाई एक्सिस है। ठीक,